फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में आप देखेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन। इससे पहले चैनल पर नए हैं जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गाइस ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने से लोग हिचकिचाते हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फ्रेंड्स कॉन्ट्रासेप्शन दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया परमानेंट स्टरलाइजेशन जिसको हम नसबंदी भी कहते हैं, ये मेल्स में होती है वैसेक्टोमी जिसमें वास डिफरेंस को कट करते हैं और टाई कर देते हैं, एंड फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टोमी, एक प्रोसीजर होता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और लिगेट कर देते हैं। गाइस ये प्रोसीजर आपको डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के सुपरविजन में कराना होता है, एंड इसमें कुछ रिवर्सल्स भी होते हैं जिसमें कि डॉक्टर सर्जरी के द्वारा फिर से सेम कंडीशंस बनाने की कोशिश करते हैं एंड सक्सेस रेट्स भी हैं। अब बात करते हैं टेम्प्ररी सॉल्यूशंस जो कि हम बोल सकते हैं टेम्प्ररी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जैसा कि पिल हो गई हर महिला इस्तेमाल करती है, एंड यहाँ पे कुछ नेचुरल मेथड्स भी हैं गाइस जिसको इस्तेमाल करके आप कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल फैमिली प्लानिंग है जैसा कि फर्टिलिटी पीरियड का पता रहता है फीमेल को, और उस टाइम अगर आप सेक्स अवॉइड कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। सेकंड वन इज़ पुल आउट मेथड या कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं इसको, विड्रॉल मेथड जिसमें कि पेनिस को वजाइना से विड्रॉ कर लिया जाता है जस्ट बिफोर इंसेमिनेशन टू अवॉइड प्रेगनेंसी। एंड थर्ड वन इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, जिस अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो आपके चांसेस बहुत ही कम रहेंगे कि आपको प्रेगनेंसी होगी। गाइस कुछ बैरियर मेथड्स भी हैं जैसे कि कॉन्डम्स के रूप में जाने जाते हैं, एंड ये कॉन्डम्स होते हैं लेटेक्स रबर से बने होते हैं, पॉलीयूरेथेन पॉलीआइसोप्रीन नाम से, एंड दे आर यूज्ड फॉर नॉट जस्ट टू अवॉइड प्रेगनेंसी, दे आर मेनली यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। फ्रेंड्स जो पिल्स यूज करते हैं आप उनकी कैटेगरी है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की, एंड उसमें तीन तरीके की पिल्स आती हैं, एक कंबाइंड पिल, मिनी पिल एंड पोस्टकोइटल पिल। यहाँ पे कुछ अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जैसे कि वेजाइनल रिंग, बर्थ कंट्रोल पैच, दे वर्क बाय अल्टरिंग द 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे एक गोली आती है माला डी, इसका कंटेंट है लिवोनोर्जेस्टोल एंड इथेनॉल एस्ट्राडियोल, ये एक कंबाइंड टैबलेट है। जैसे कि आपने आईपीएल के बारे में सुना होगा इसके अंदर भी 21 डेज का डोज रहता है, सो 21 डेज तक रेगुलरली आपको ये टैबलेट लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि बर्थ कंट्रोल डिवाइस क्या होते हैं। आईओडी के बारे में आपने सुना होगा, इंट्रायूटराइन डिवाइस कहते हैं इसको, एंड ये कितना सेफ है। सो मार्केट में दो तरीके के आईओडीज आते हैं, फर्स्ट इज़ कॉपर कंटेनिंग, दैट इज़ कॉपर T375 एंड कॉपर T380। इसमें कॉपर आयंस होते हैं जो फर्टिलिटी को रोकते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ हार्मोनल कंटेनिंग आईओडी इंट्रायूटराइन डिवाइस, दैट इज़ मिराना। इसमें लिवोनोर्जेस्टेरोल होता है हार्मोन। अब बात करते हैं इंजेक्टेबल आईओडीज के बारे में, तो इंजेक्टेबल आईओडीज में मेनली एक आता है डेपो प्रोवेरा करके, जिसमें डेपो मिट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसिटेट रहता है, एंड अदर इज़ इम्प्लांट जिसको नॉरप्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गाइस 6 सिलिकॉन रॉड्स रहती हैं दैट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ लिवोनोर्जेस्टेरोल, एंड इसमें कॉन्ट्रासेप्शन 5 साल तक रहता है एंड बाद में फर्टिलिटी रिस्टोर कर सकते हैं। सो गाइज टाइम टू एंड द वीडियो, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को।